तो स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल द धर्मेश वर्ल्ड में। तो और स्वागत करता हूँ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में। और इस बार मैं आ चुका हूँ सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास। यहाँ पर कितना सारा काम हुआ है, कितना बाकी है, मैं इसमें आपको पूरा अपडेट देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस लोकेशन में, दोस्तों सूरत का जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है, इसके मैं पीछे के साइड में आया हूँ और यहाँ का आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना काम हुआ है। फिर मैं आपको आगे के साइड लेके चलूंगा और दिखाऊंगा वहां पर कितना काम हुआ है। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये इधर से सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन है और इस साइड में आपको लेके चलूंगा। यहाँ से जाने की अनुमति तो हमको नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कुछ सेफ्टी के रिलेटेड है नहीं। तो मैं आपको थोड़ा 2-3 किलोमीटर घुमा के सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन दिखाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ अभी प्लर रेडी हो चुके हैं और आगे का अपडेट है वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और दोस्तों इस साइड आप देख सकते हो, यहाँ ये है अहमदाबाद के साइड, अहमदाबाद के साइड जो कि सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन है, यहाँ सीधा स्टेशन आएगा। और दूसरे लोकेशन की मैं बात करूँ जो कि है मुंबई के साइड, मुंबई के साइड भी दोस्तों और पूरा का पूरा प्लर का काम दोस्तों चालू हो चुका है। और अभी मैं देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ जिससे कि आपको बेहतर अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगे एंड में आप कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि इसमें यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको आज का अपडेट। तो इस साइड आप देख सकते हो, ये है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन, जहाँ पर यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर की लंबी दूरी पर स्टेशन है सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन। और वहाँ पे मैं अभी आपको घुमा के लेके चलूँगा और बताऊँगा वहाँ का कितना काम हुआ है। दोस्तों 508 किलोमीटर लंबे रूट में, जो कि पूरा 508 किलोमीटर लंबे रूट से 21 किलोमीटर का टनल बनाया जाएगा, जिससे कि पूरा गाड़ी ज़मीन के अंदर जो टनल बनाया जाएगा उसके अंदर चलेगी। और बाकी का दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर चलने वाली है। सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन का ये पीछे का साइड है, यहाँ पर पिलर का काम सारा कंप्लीट हो चुका है और अंदर वार्निंग लिखा है कि बुलेट ट्रेन का काम चालू है, कृपया अंदर प्रवेश ना करें। सामने बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, मैं अभी वहाँ पे आपको लेके चलूँगा और दिखाऊंगा वहाँ पर कितना काम हुआ है। दोस्तों देर ना करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ वहाँ पर कितना दोस्तों काम हुआ है और कितना बाकी है। ये आप देख सकते हो वहाँ पर सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन के, मैं भी आपको अंदर लेके चलता हूँ, अगर हमको कोई मना करेगा तो हम पीछे आ जाएंगे। अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर दोस्तों कितना काम चल रहा है। पिलर का काम यहाँ पर लगभग दोस्तों कम्प्लीट है और आगे जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन बन रहा है, मैं अभी आपको आगे उस साइड लेके चलता हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर पिलर के लिए इतनी मजबूती से, यहाँ देख सकते हो कितनी मजबूती से ये एक टन ये बनाया जा रहा है पिलर जैसा, इतना लंबा पूरा लोहे के लिए ये सामने, और इसके ऊपर ये गर्डर शायद ये बनाया जाएगा और जो कि इसके ऊपर लग जाएगा। दोस्तों ये पिलर नंबर 15, ऐसे ही जितने पिलर है इस एरिया में सबका नाम दिया गया है। 263 पैकेज के अंदर ये पिलर नंबर 15 है और आगे ही ये पूरा यहाँ से हम बताऊँ और लेके चलता हूँ अभी आपको वहाँ आगे और दिखाता हूँ वहाँ पर सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम। ये देख सकते हो यहाँ पर ये मशीन है जो कि ऊपर ये काम करती है, ये जो मशीन है ऊपर सामान रखने का काम करती है, ये देख सकते हो। और आगे का मैं अभी आपको इसमें अपडेट दिखाता हूँ वहाँ का दोस्तों कितना काम हुआ है और वहाँ पर कितना बाकी है। तो इसमें ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अभी आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर कितना काम हुआ है दोस्तों। तो फाइनली ये पीछे का नज़ारा है सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का, आप यहाँ से देख सकते हो। और मैं भी आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पर, और आगे मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ दिखाऊंगा। वैसे तो हमको जाने की पूरा अनुमति नहीं होगी क्योंकि रिंकू भैया भी वहाँ से पीछे लौट के आ चुके हैं, और दिखाता हूँ वहाँ पर दोस्तों कितना काम हुआ है। दोस्तों लगभग आपको मैंने इसमें 3 से 4 किलोमीटर का अभी तक वीडियो कन्वर्ट करवा चुका हूँ और दिखाता हूँ दोस्तों थोड़ा सा आगे का काम है, थोड़ा सा मुझे घूम के जाना पड़ेगा जो कि सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन है वहाँ का, मुझे आपको आगे के साइड से दोस्तों दिखाना पड़ेगा और वहाँ से आपको पता चलेगा प्रॉपर कि वहाँ पे कितना काम हुआ है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के रास्ते को घूम के और वहाँ पे बताएंगे दोस्तों वहाँ पर कितना काम चल रहा है और कितना बाकी है। तो अभी ये जो है अभी मैं यहाँ से घूम के ऐसे जाऊँगा, ठीक है। रिंकू भैया भी यहाँ से घूम कर निकल चुके हैं और मैं भी वहाँ से जाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अभी
थोड़ा आगे का साइड का मैं आपको अपडेट देता हूँ। फाइनली थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर सुबह का टाइम है और यहाँ का टाइम के हिसाब से धूप थोड़ी सी निकली है। और अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और दिखाता हूँ सूरत ब्लड ट्रेन स्टेशन का, यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और निकल चुका हूँ, थोड़ा सा आगे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर कितना काम हुआ है दोस्तों। जब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। सामने आप देख सकते हो ब्लड स्टेशन यहाँ से निकला है और अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ चुका हूँ और अभी लगभग दोस्तों सूरत का जो ब्लड ट्रेन स्टेशन है 1 किलोमीटर की दूरी पर है और थोड़ा सा आगे लेके दिखाऊंगा तो बताऊंगा वहाँ का दोस्तों अपडेट आपको। आप देख सकते हो अभी ये थोड़ा दूर है यहाँ से ब्लड ट्रेन का स्टेशन, काफी ज्यादा पेड़ पौधे इसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा आपको। वहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी लॉन्चिंग का काम दोस्तों चालू है यहाँ का। सूरत का ब्लड ट्रेन स्टेशन इतना थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है और जो मेन है इसका वो है आगे की साइड में, आपको मैं दिखाऊंगा। सूरत का जो ब्लड ट्रेन स्टेशन में खूब बहुत लंबाई के अंदर ये बन रहा है, अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और आपको मैं कंटिन्यू दिखाऊंगा कि ये कितना लंबा है दोस्तों। लगभग दोस्तों काफी मैं 1 किलोमीटर तक आ चुका हूँ और थोड़ा सा आगे है और आप देख सकते हो यहाँ से ये कैसा दिखता है। अभी देख सकते हो फाइनली उस रोड पे मैं आ चुका हूँ जहाँ पे सूरत का ब्लड ट्रेन स्टेशन है, आप ये देख सकते हो। सूरत शहर के बुलेट ट्रेन स्टेशन की बात करें तो 48,000 स्क्वायर मीटर का यह स्टेशन होगा। यहां पर हर तरह की आधुनिक बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है जिसमें खाने से लेकर बेबी केयर तक की सुविधा मौजूद होगी। सूरत में बनेगा पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, डायमंड जैसी होगी देश में महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन योजना पर काम तेजी से चल रहा है और सेमी हाई स्पीड से ट्रेन अब हाई स्पीड की तरफ बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक बुलेट ट्रेन पर काम जारी है और इसके लिए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन गुजरात के सूरत में बनकर तैयार होगा। यह बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी और इसके लिए कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन साल 2017 में हुआ था। निर्माण एजेंसी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD सतीश अग्निहोत्री ने टीवी भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में कहा कि गुजरात के सूरत शहर में सबसे पहले बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनकर तैयार होगा। NHSRCL से जुड़े लोगों का कहना है कि इस ट्रैक के लिए 4 स्टेशन वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच बनाए जा रहे हैं। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का स्टेशन जिस जगह पर बना रहा है वहां से रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी तो वहीं से मिल जाएगी, लेकिन सेंट्रल बस स्टेशन की दूरी 3.5 किलोमीटर है तो वहीं एयरपोर्ट से बुलेट ट्रेन के स्टेशन की कुल दूरी 10 किलोमीटर है। सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन का अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम देखने को मिल रहा है, लास्ट टाइम इतना नहीं था। आप मेरी लास्ट टाइम की वीडियो देख सकते हो, उसमें इतना काम नहीं था और इसमें आपको इतना सारा काम देखने को मिल रहा है, आप ये देख सकते हो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में टोटल 24 नदियाँ होंगी जिसमें से 20 नदियाँ गुजरात में हैं और 4 नदियाँ महाराष्ट्र में हैं। दोस्तों सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन का अभी तक ये फाइनल बुक है, जब दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये है दोस्तों डायमंड आकार का इसका शेप रहेगा। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप ये देख सकते हो इस तरीके से ये यहाँ पर बन रहा है, अंदर तो मैं आपको जाके दिखा नहीं सकता, यहीं से आप देख सकते हो।
ये हिस्सा है ये रहेगा अहमदाबाद की तरफ, और ये है सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन। फाइनली इसका लुक आप देख सकते हो कैसा है, आप देख सकते हो यहाँ से इसको पूरा डायमंड का आकार का दोस्तों इसको बनाया जाएगा। मैं इसका एक थोड़े से फ़ोटो आपको दिखा दूंगा इसमें कि इसका कैसा आकार रहेगा, आप ये देख सकते हो। सूरत का बुलेट ट्रेन स्टेशन जो कि काफ़ी लंबा बन रहा है, और आप यहाँ इसका नज़ारा इस वीडियो में आप देख सकते हो।